हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म से SCR के नाम से जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्विचिंग डिवाइस है। उसके बारे में डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। उसमें हम कुछ फैक्ट के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, SCR जो है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, वो चार लेयर का बना एक डिवाइस है, स्विचिंग डिवाइस, जिसमें PN लेयर होते हैं, चार लेयर, ठीक है। अब देखिए, इसका जो फोर लेयर प्रिंसिपल जो होता था, फोर लेयर PN स्विचिंग प्रिंसिपल, वो चार लोगों ने दिया। बेल लेबोरेटरी, विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो अमेरिका में आई हुई है, 1956 के अंदर ये PNPN स्विचिंग प्रिंसिपल दिया था, मॉल, टनेनबॉम, गॉल्डी एंड हॉलनाइक, ठीक है, बेल लेबोरेटरीज के अंदर। उसके आधार पे जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द थियोरेटिकल बिहेवियर, ये दोनों का जस्टिफिकेशन बाय एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के द्वारा किसी ने प्रेजेंट किया था। उसका नाम था डॉक्टर यन एम मैकिंटोश। वो भी एक बेल लेबोरेटरी के ही साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1958 में दिया था, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है, नाम दिया गया है, वो बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है उसका ट्रेड नेम है ऑफ द थायरिस्टर, ठीक है। ये जो SCR है वो थायरिस्टर फैमिली का एक सबसे महत्वपूर्ण स्विचिंग डिवाइस है। और जो SCR जो है उसको डेवलप किया था पावर इंजीनियर्स की एक टीम ने, जिसको लीड करते थे गॉर्डन हॉल, ठीक है। और उसको कॉमर्शलाइज किया था फ्रैंक डब्ल्यू बिल गजविलर ने 1957 में, ठीक है। तो ये जो SCR का पूरा जो काम काज है, ठीक है, इनोवेशन से लेके उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, उसका एक्सपेरिमेंट्स, उसकी कैरेक्टराइस्टिक, ये सब इन लोगों ने, इन सब सबने कुछ ना कुछ अपना योगदान देके बनाया हुआ है। वो 1956 से लेकर 1958 के एरा में बना है, ठीक है। तो ये उसका कुछ फैक्ट्स था। अब बात करते हैं कि SCR एक्चुअली है क्या। उसका फुल फॉर्म है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब देखिए, सिलिकॉन से बना हुआ ये स्विचिंग डिवाइस है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। दूसरा, इस डिवाइस का काम है रेक्टिफिकेशन करना। रेक्टिफिकेशन मतलब ये एक डिवाइस रेक्टिफायर की तरह काम करता है, मतलब कि ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है जो AC पावर को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, ठीक है। और जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड, मतलब इस स्विचिंग डिवाइस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसके ऑपरेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन तीन शब्द का मतलब मैंने अभी समझाया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब देखिए, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज यूनिडायरेक्शनल करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, ओके। ये एक करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है और ये PN जंक्शन डायोड की तरह ही है, लेकिन PN जंक्शन डायोड में सिर्फ एक जंक्शन होता है, ठीक है, और इसमें होते हैं तीन जंक्शन, क्योंकि इसको हम PNPN डिवाइस बोलते हैं। अब देखिए, ये जो करंट को है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया है यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। दूसरी रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट आता है उसको वो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का काम होता है बेसिकली। अब उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर, ये है उसका स्ट्रक्चर, ये है उसका सिंबल। अगर हमने ये गेट टर्मिनल को निकाल दिया तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा एक PN जंक्शन डायोड, ठीक है, जिसमें एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, एंड गेट इज कंट्रोल टर्मिनल, ठीक है। हम यहां से हम अपने स्विचिंग डिवाइस का ऑपरेशन कंट्रोल कर सकते हैं, कहां से, गेट से, ओके। तो यहाँ पे देखिए, PNPN डिवाइस है, ये चार लेयर PNPN, दो लेयर के बीच में एक जंक्शन होता है, J1, J2 और J3, ठीक है। एनोड इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, गेट इज कनेक्टेड, मतलब जो हमारा गेट है वो कहाँ कनेक्टेड है, दूसरे पी लेयर के पास, मतलब जो कैथोड के नजदीक वाला जो पी लेयर है, पॉजिटिव लेयर, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ को पी लेयर बोला जाता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा चार्ज पॉजिटिव होता है। एन लेयर जो होता है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए एन
लेयर को हम नेगेटिव चार्ज लेयर भी बोलते हैं। अब ये गेट जो है वो दूसरे पी लेयर के पास कनेक्टेड होता है, निकाला गया है वहां से, ठीक है। तो वो आपको ये स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। अब देखिए हुआ स्ट्रक्चर, अब देखिए हम इसके ऑपरेशन की बात करते हैं। बेसिकली ये जो उसका ऑपरेशन होता है एससीआर का, वो तीन प्रकार से होता है। एक तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है, दूसरा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, तीसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो इसमें देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है, ये डिवाइस ऑफ स्टेट में रहता है, ठीक है। फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में इस डिवाइस को हम ऑन स्टेट में लाते हैं, मतलब कंडक्टिंग स्टेट में लाते हैं, और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में ये ऑफ स्टेट में रहता है। मतलब दो जो है, फर्स्ट और थर्ड उसमें डिवाइस ऑफ रहता है और सेकंड में ऑन रहता है, ठीक है। तो हम तीनों को बारीकी से समझेंगे, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की, जिसको हम ऑफ स्टेट बोलते हैं। ऑफ स्टेट मतलब इसका अभी कंडक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पीएनपीएन लेयर का मैंने ये स्ट्रक्चरल फॉर्म दिखा दिया है, जिसको हम एससीआर बोलते हैं। यहाँ एनोड है और यहाँ कैथोड है, इन दोनों के बीच में मैंने एक सप्लाई वोल्टेज डीसी जो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी डीसी जो हम है या तो बैटरी से दे सकते हैं या तो डीसी पावर सप्लाई से दे सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से हम यहाँ पे डीसी दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डीसी वोल्टेज दिया हुआ है, जिसकी पोलैरिटी देखिए पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है सप्लाई वोल्टेज डीसी का, चाहे वो बैटरी से लिया हो या पावर सप्लाई से, वो पॉजिटिव टर्मिनल अगर हमारा एनोड से कनेक्टेड हो जाता है, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉजिटिव लेयर से कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल जो है सप्लाई का, उसको हम नेगेटिव लेयर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये डिवाइस फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड भी क्या चीज है कि यहाँ पे हमें गेट वोल्टेज दिया ही नहीं है, मतलब हम कंट्रोल टर्मिनल नहीं देते हैं एससीआर को, ठीक है। मतलब गेट सप्लाई देते ही नहीं है। और ये देखिए डिवाइस जो है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, यहाँ पे गेट करंट नहीं जाएगा, तो ये डिवाइस को ऑपरेट होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज चाहिए अप्रोप्रिएट और दूसरा गेट करंट चाहिए। हम यहाँ गेट सप्लाई ही नहीं दे रहे, देखिए गेट और कैथोड के बीच में हमें यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करना होता है, उन सप्लाई वोल्टेज से हम गेट करंट को सप्लाई कर सकते हैं इस रीजन में, ठीक है। उसके कारण कंडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने कोई भी गेट सप्लाई दिया नहीं है, गेट इज डिस्कनेक्टेड और गेट वोल्टेज इज जीरो और गेट करंट इज जीरो, ठीक है। तो उसके कारण हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस कनेक्टेड है। अब देखिए इन फॉरवर्ड बायस कनेक्शन से हम क्या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इसमें, कि देखिए पी लेयर जो है पॉजिटिव के साथ है, एन लेयर नेगेटिव के साथ। इसका मतलब क्या है, अगर सेम टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज का जो टर्मिनल है और जो लेयर के साथ कनेक्शन है, अगर सेम पोलारिटी का हो, पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव, तो वो फॉरवर्ड बायस जंक्शन बनते हैं। मतलब J1 और J3 जो है वो फॉरवर्ड बायस जंक्शन बनेगा, और ये जो N और P के बीच में जो J2 जंक्शन है वो रिवर्स बायस बनेगा। तो इस केस के अंदर J1 J3 फॉरवर्ड बायस एंड J2 बिकम रिवर्स बायस, ओके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे रिवर्स बायस होने की वजह से J2 जंक्शन, यहाँ पे एक डेप्लेशन रीजियन क्रिएट होता है इस प्रकार से इस लेयर के बीच में, ठीक है। मतलब J2 जंक्शन के आसपास एक डेप्लेशन रीजियन क्रिएट होता है। इन डेप्लेशन रीजियन की काम क्या होता है कि ये एक अवरोध के रूप में काम करता है। देखिए अगर आपको कंडक्शन करवाना है, ठीक है, अगर आपको करंट यहां से आपको फ्लो करवाना है एनोड तक, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो पॉजिटिव मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो यहाँ पे है उसको यहाँ पे लाना होगा और यहाँ के मेजोरिटी को यहाँ पे लाना होगा। इसके लिए आपको ये जो J2 जंक्शन है उसको क्रॉस करवाना पड़ेगा चार्ज कैरियर को, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को, तभी जाके यहाँ पे फॉरवर्ड करंट फ्लो हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस है और यहाँ पे क्या है कि एक वॉल की तरह काम करता है, यानी वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर को यहाँ फ्लो होने नहीं देगा, मतलब इस पी से होल को एन तरफ
और एन से इलेक्ट्रॉन को पी तरफ नहीं आने देगा, मतलब इस जंक्शन को क्रॉस नहीं करने देगा, वहां पे एक दीवार बन चुकी है जिसको हम डेप्लेशन लेयर बोलते हैं, ठीक है। और डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है उसके आधार पे हमें उसको वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके ये डेप्लेशन लेयर जो है रीजन उसका विड्थ कम होता जाता है और एक समय आने पर ये J2 जंक्शन टूट जाता है। अब जब डेप्लेशन रीजन का विड्थ बहुत ही नेरो हो जाए और ये J2 जंक्शन ब्रेक हो जाए एक समय पे, तब जाके यहाँ से आसानी से चार्ज कैरियर फ्लो हो सकते हैं और तब जाके यहाँ पे एक्सट्रीमली करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस करंट को फ्लो करवाने के लिए बेसिकली इसका जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है उसके कारण जो करंट फ्लो होगा उसी के कारण ये डिवाइस टर्न ऑन होगा, ठीक है। और देखिए दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं किसी भी लेयर में। पी लेयर में मेजोरिटी होल होते हैं जिसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, इसमें माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एन लेयर में मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन रहते हैं और माइनॉरिटी होल रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं कर पाएंगे लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो एसिलरेट होंगे, ठीक है। उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे माइनॉरिटी करंट फ्लो होगा, चार्ज कैरियर के कारण फ्लो होने वाला माइनॉरिटी करंट जिसको हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू का करंट होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इनिशियली फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है फर्स्ट स्टेप में, वहां पे क्या होता है कि माइनॉरिटी करंट फ्लो होगा जिसको हम लेचिंग स्मॉल करंट बोलेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलेंगे उसको, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ करते हो तो उसमें हम फॉरवर्ड लीकेज करंट बोलते हैं, वो बहुत ही कम वैल्यू का रहता है, ठीक है। तो इस करंट से ये डिवाइस टर्न ऑन नहीं होने वाला है, ओके। तो ये होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड जिसमें माइनर फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा जिसकी वैल्यू बहुत कम रहती है जिसके कारण ये डिवाइस टर्न ऑन नहीं रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑफ स्टेट, ओके। अब दूसरा रीजन की बात करते हैं भाई, तो इसमें क्या होता है कि दूसरा रीजन है दूसरा स्टेट है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड और ऑन स्टेट भी बोला जाता है। ये फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड जो होता है वो उसमें कंडक्शन होगा एससीआर का, एससीआर कंडक्ट करेगा। देखिए दो प्रकार से एससीआर कंडक्ट होता है बेसिकली। पहला है कि जो भी पहले फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो हमने सप्लाई वोल्टेज दिए थे फॉरवर्ड वोल्टेज, लेकिन गेट वोल्टेज नहीं दिया था, ठीक है। अगर हम उस गेट वोल्टेज अभी भी नहीं देते लेकिन फॉरवर्ड वोल्टेज को अगर हम उसको जो जंक्शन को ब्रेक करना है J2 जंक्शन को, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस J2 जंक्शन को ब्रेक करना है, उसके लिए जितना भी यहाँ वोल्टेज देना पड़े, ठीक है, सब उसको हम बोलेंगे ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर का मतलब है इस जंक्शन को ब्रेक कर देगा, इतनी की वैल्यू होनी चाहिए उसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं। अगर हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि जो करंट एक्सट्रीमली फ्लो होने लगेगा, ठीक है, और वो होगा किसके कारण, वो होगा जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके कारण, क्योंकि वो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके पास बहुत ही ताकत आ जाती है, बहुत ही एनर्जी आ जाती है, उसके कारण वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने गेट करंट नहीं सप्लाई किया, इसीलिए जो अगर हम ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दे देते हैं तो जंक्शन ब्रेक हो जाएगा बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है उसके पास बहुत सारी एनर्जी आ जाएगी और वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे। इसके कारण क्या होगा कि जो हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो एटम को ब्रेक करेंगे। जब एटम ब्रेक होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, प्रोड्यूस होगी। उसके कारण क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होने लगेंगे, उसको हम बोलेंगे एवलेंच इफेक्ट। तो क्या बोलेंगे हम, एवलेंच इफेक्ट, ठीक है। लेकिन ये देखिए ये अगर इस प्रकार से अगर हम उपयोग करेंगे एससीआर का कंडक्शन में तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एससीआर को, जिसके लिए उसको डिजाइन किया गया है, ठीक है।
तो ये फर्स्ट केस में जब कंडक्शन होता है वो रिलायबल ऑपरेशन नहीं देता है एससीआर का। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम करते हैं यहाँ पे दूसरा केस फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं सप्लाई वोल्टेज दे देते हैं, गेट वोल्टेज। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि भाई हमने यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड लिया हुआ है, यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज दिया हुआ है और यहाँ फॉरवर्ड वोल्टेज गेट वोल्टेज दिया हुआ है। इस गेट में देखिए पी लेयर है और यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ एन लेयर है और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ये जो है जब ये वोल्टेज यहाँ पे सप्लाई किया जाएगा ऑलरेडी इसको फॉरवर्ड बायस में तो है, इसको हम अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें जो यहाँ पे रिवर्स बायस J2 जंक्शन था उसमें जो डेप्लेशन रीजन था उसकी विड्थ हम रिड्यूस कर पाएंगे बाय इंक्रीजिंग द गेट वोल्टेज। ठीक है, अगर इस डिवाइस का जो रेटिंग है SCR का उसमें अगर उसको गेट करंट चाहिए 5 mA रेटेड गेट करंट, तो रिक्वायर्ड मिनिमम गेट करंट टू मेक SCR इन कंडक्शन स्टेट। ओके, तो इसके लिए अगर हम देंगे तो क्या होगा कि अगर हम गेट वोल्टेज इस प्रकार से दे कि यहाँ पे जो रिक्वायर्ड गेट करंट है मिनिमम गेट करंट अगर इसको मिल जाए तो इसका जंक्शन जो है वो डेप्लेशन रीजन है वो जीरो हो जाएगा। डेप्लेशन रीजन जीरो होने की वजह से या फिर बहुत ही नेरो हो जाएगा, ठीक है, उसकी साइज जो विड्थ है बहुत ही कम हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यहाँ से मेजोरिटी चार्ज कैरियर इस जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे J2 जंक्शन को। ओके, तो J2 जंक्शन को क्रॉस करने के लिए अगर जो दीवाल है अगर उसकी साइज बहुत ही पतली हो जाए तो आराम से यहाँ से चार्ज कैरियर मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मेजोरिटी चार्ज कैरियर से कंडक्शन होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा गेट वोल्टेज होगा यहाँ पे उतना यहाँ पे गेट करंट ज्यादा फ्लो होगा। अगर गेट करंट मान लो 5 mA है, ठीक है, तो उस वक्त हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू हमें चाहिए 10 V सपोज, तो अगर मैं यहाँ पे 7 mA कर दूं तो हमें ब्रेक ओवर वोल्टेज जो इस जंक्शन को ब्रेक करने के लिए चाहिए वो चाहिए 6 V अप्रोक्सीमेट, मतलब कम हो जाएगा। अगर गेट करंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। समझ में आया, तो आप ये चीज प्रैक्टिकल के दौरान ऑब्जर्व करेंगे। तो ये जो चीज थी वो था फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड जिसमें हम मेजोरिटी चार्ज कैरियर से कंडक्शन करते हैं। इसके कारण क्या होता है, देखिए हम इस गेट करंट को गेट वोल्टेज से कंट्रोल करके हम इस डिवाइस के ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम जब चाहे तब इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार टर्न ऑन होने के बाद इस गेट वोल्टेज का या गेट करंट का कोई भी कंट्रोल इस डिवाइस पर रहता नहीं है। मतलब एक बार यह टर्न ऑन हो जाए तो गेट वोल्टेज यहाँ जीरो कर दो या डिस्कनेक्ट कर दो यहाँ से सप्लाई गेट वोल्टेज का, तो भी ये डिवाइस टर्न ऑफ नहीं होगा, ये कंडक्शन में रहेगा। ठीक है, ये SCR की एक खासियत है, मतलब गेट करंट का उपयोग सिर्फ इस डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए होता है। ठीक है, ज्यादा गेट करंट होगा द रेंज ऑफ रेटेड गेट करंट। ओके, गेट करंट का भी लिमिटेशन होता है अकॉर्डिंग टू डिवाइस डिजाइन, SCR की डिजाइन पैरामीटर है उसमें जो लिखा होगा कि मैक्सिमम गेट करंट इज 15 mA, तो यू हैव टू गिव लेस देन 15 mA इन दिस डिवाइस। ओके, उसे ज्यादा दोगे तो ये गेट बर्नआउट हो सकता है, डिवाइस फेल हो सकता है। ठीक है, या फिर और प्रोटेक्शन सर्किट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है और ये यूनिडायरेक्शनली करंट फ्लो होता है एनोड टू कैथोड। ओके, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बोला जाता है और इस डिवाइस के ऑपरेशन को इस गेट वोल्टेज से कंट्रोल किया जाता है या गेट करंट से कंट्रोल किया जाता है और गेट करंट को हम गेट वोल्टेज से वेरी कर सकते हैं। ओके, तो ये था फॉरवर्ड कंडक्शन स्टेट। अब बात करेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की, जिसको हम ऑफ स्टेट भी बोलते हैं।
रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ब्लॉकिंग वर्ड आता है इसका मतलब यहाँ पे गेट वोल्टेज को डिस्कनेक्ट किया गया है, गेट सप्लाई को, मतलब गेट करंट जीरो है। अब देखिए ब्लॉकिंग रिवर्स, फॉरवर्ड की जगह रिवर्स, इसका मतलब है यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल चेंज करना होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी पॉजिटिव लेयर के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव लेयर के साथ है कनेक्टेड, तो इसका मतलब है J1 और J3 रिवर्स बायस है और J2 फॉरवर्ड बायस है। अब देखिए J2 फॉरवर्ड बायस है, J1 J3 रिवर्स बायस है। अब देखिए इस केस में तो कोई चांस ही नहीं है कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो कर पाए, P2 इस जंक्शन को क्रॉस कर पाए, ठीक है, क्योंकि J1 J3 खुद रिवर्स बायस है, सिर्फ J2 ही फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो ये चीज में हम ब्लॉकिंग मोड कहेंगे, ठीक है, जिसको हम ऑब्स्टेट भी बोलते हैं। और कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता इस केस के अंदर, ठीक है, और स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट चार्ज कैरियर्स इन द फॉरवर्ड बायस जंक्शन J2। दिस स्मॉल लीकेज करंट इज नॉट इनफ टू टर्न ऑन द SCR एज सेम केस इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, इसलिए SCR ऑफ स्टेट में रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि अगर हम रिवर्स वोल्टेज को ज्यादा इंक्रीज कर दे उसके क्रिटिकल ब्रेकडाउन लेवल तक, तो उसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिसमें हम एवलेंच इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जंक्शन J1 और J3। देखिए पहले केस में क्या होता था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में हम एवलेंच इफेक्ट क्रिएट कर पाते थे जंक्शन J2 के आसपास। इसमें उल्टा होगा कि हमारा जो रिवर्स बायस जंक्शन है, दोनों केस में रिवर्स बायस जंक्शन है, वहां पे ही एवलेंच इफेक्ट क्रिएट की जाती है, यहाँ पे होगा J1 J3 के आसपास। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, जिसको हम क्रिटिकल ब्रेकडाउन वोल्टेज लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण हम रिवर्स करंट को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर पाएंगे। यूजुअली द रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज रेटिंग एंड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग वोल्टेज रेटिंग बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका उपयोग, इस केस का उपयोग, ये जो रिवर्स ब्लॉकिंग SCR जो होता है उसका उपयोग हम करंट सोर्स इन्वर्टर में किया करते हैं, और जो भी SCR रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर पाता है उसको हम एसिमेट्रिकल SCR बोलते हैं। अब दो प्रकार के SCR होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल SCR होता है उसका रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी जीरो होता है, ठीक है, उसको हम ASCR बोलते हैं, ठीक है। और ये डिवाइस के साथ हम पैरेलल में एक डायोड कनेक्ट करते हैं, तो उसका उपयोग करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर। जो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर जो डिवाइस SCR यूज किया जाता है उसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल SCR, इसका रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी जीरो है, ठीक है, समझ में आया। तो VSI के अंदर आपको पूछा जाए कि कौन सा SCR यूज करते हैं वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर के अंदर, तो आपको बोलना है एसिमेट्रिकल SCR, जिसका रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेसिटी जीरो है, ठीक है। देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको दिखाता हूं, ये है एनोड वोल्टेज, ये है एनोड करंट। SCR को टर्न ऑन करने के लिए आपको फॉरवर्ड वोल्टेज चाहिए और फॉरवर्ड करंट चाहिए। ये जो माइनर करंट आपको दिखाई दे रहा है ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। अभी अभी हमने तीन प्रकार के रीजन पढ़े हैं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन एंड रिवर्स ब्लॉकिंग रीजन, ठीक है। तो ये है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, यहाँ है ये जो वोल्टेज है सप्लाई का, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है, VBR जिसको बोलते हैं, या फिर फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज पे आपका जंक्शन ब्रेक होता है, J2 जंक्शन जो रिवर्स बायस था, ठीक है, फॉरवर्ड कंडीशन में वो ब्रेक होता है, तब तक जो चार्ज क्रिएट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज क्रिएट, यानी वो बहुत ही कम रहता है, आप देख सकते हैं बहुत ही कम करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां से देखिए ब्रेकिंग होगा तब एक्सट्रीम हाई वोल्ट करंट फ्लो होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइस लेच होगा, मतलब टर्न ऑन होने के लिए डिवाइस को लेच करना पड़ेगा, मतलब ये जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जो ब्लॉकिंग वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट के या 2 वोल्ट के आसपास बन जाएगा, और वहां से करंट इंक्रीज होगा। जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आपका करंट इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। ये था आपका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन है, ठीक है। जब आपका जंक्शन ब्रेक होता है J2, तब जाके मेजोरिटी चार्ज क्रिएट फ्लो करते हैं, तब जाके आपका वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है और करंट इंक्रीज हो जाता है। ये करंट इंक्रीज होता है जब आप
कंडक्शन हो चुका है तब, उसके बाद आप जितना भी वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो आपका करंट इंक्रीज होता रहेगा। ये है क्रिटिकली रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये चीज होती है सिमेट्रिकल एसीआर के अंदर, और एसिमेट्रिकल एसीआर के अंदर ये चीज नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो ब्रेकडाउन हुआ है वो हुआ है एवलेंज ब्रेकडाउन, उसके कारण यहाँ पे हाई रिवर्स करंट इंक्रीज हो गया। तो ये था वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर। और एक बात, इसका जो एप्लीकेशन है एससीआर का वो बहुत ही बड़ा है, मैं आपको कैलकुलेट करो बताता हूँ। एससीआर का उपयोग होता है सबसे पहले एक कंट्रोल रेक्टिफायर को डिजाइन करने पे, चाहे वो सिंगल फेज हो या थ्री फेज, ठीक है, जितने भी वेरियंट है कंट्रोल रेक्टिफायर के उन सभी में एससीआर का यूज होता है। दूसरा एप्लीकेशन है एसी पावर को कंट्रोल करने के लिए, यानी एसी वोल्टेज रेगुलेटर्स में ये यूज होता है। तीसरा, इसका उपयोग होता है चोपर सर्किट के अंदर, ठीक है, चोपर सर्किट को डिजाइन करने में। चौथा, साइक्लो कन्वर्टर सर्किट को डिजाइन करने में, साइक्लो कन्वर्टर जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चेंजर सर्किट है उसको डिजाइन करने में इस एससीआर का उपयोग हुआ। मतलब एससीआर का रेटिंग बहुत ही हाई रहता है, यानी हाई पावर एप्लीकेशन ज्यादातर होती है वहां पे एससीआर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रेक्टिफायर में रेक्टिफायर ग्रेड एससीआर यूज होते हैं, इन्वर्टर में हाई पावर इन्वर्टर जहां पे यूज होते हैं, मतलब एचवीडीसी सिस्टम होती है वहां पे रिसीविंग एंड पे जो इन्वर्टर रहते हैं वहां पे हाई पावर सप्लाई होता है, इसलिए वहां पे डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हाई पावर इन्वर्टर्स यूज होते हैं, वहां पे एससीआर का यूज होता है, इन्वर्टर ग्रेड एससीआर का। तो बहुत सारा एप्लीकेशन है। एससीआर इज द मेन स्विचिंग डिवाइस इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।